हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप सभी को आपके अपने डबल एडिटर चैनल में। तो आज हम आप लोग को कुछ इस टाइप से पोस्टर फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जो कि दिखने में बहुत ही ऑसम लग रहा है। और इस तरह का फोटो एडिट करना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बहुत ही आसान है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लेते हो तो एक ही बार में सीख जाओगे। और यदि मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते आप लोग को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, तभी अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद ऊपर आप लोग को एडिट ए फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को ऊपर कोने में मिल जाता है एक बैकग्राउंड का ऑप्शन, तो सिंपली बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को एक व्हाइट कलर मिल जाता है, एक येलो कलर, मतलब बहुत सारा कलर मिल जाता है। तो आप लोग को व्हाइट या फिर येलो ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम येलो कलर पर एडिट करें तो येलो कलर ले लिए हैं। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे ये बैकग्राउंड रहा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है। और टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को ऊपर क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, साइज को सिलेक्ट कर लेंगे 3.4 साइज को, ठीक है, इसको साइज को बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से बैकग्राउंड बन जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, एड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और एड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब अपना फोटो को ऐड करना है, जैसे कि मैं ये वाला फोटो को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद इसको मतलब साइज को बड़ा कर लीजिएगा। और साइज को बड़ा कर लेने के बाद आप लोग को ऊपर मिल जाता है इरेज का ऑप्शन, तो सिंपली इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे इरेज वाला ऑप्शन फिर से मिल जाता है, इसको क्लिक कर देंगे। हार्डनेस को 100 कर देंगे और साइज को कर देंगे यहाँ पे छोटा कर देंगे, ठीक है। साइज को जितना ज़्यादा छोटा कर दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते रहे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को कुछ इस तरह से इसको इरेज करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरह से इरेज कीजिएगा तो फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एकदम अच्छे तरह से और क्वालिटी भी नहीं खराब होगा। तो ये कैसे करता हूँ आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और मैं बता दूँ कि अगर आप लोग फोटो एडिट करते हो तो ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है, एकदम आराम आराम से कीजिएगा, तभी आपका फोटो एकदम नेचुरल और एकदम परफेक्ट तरह से एडिट हो पाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा कट भी कर दिया। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से इसको कर देना है डन, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है डन। और डन करने के बाद यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए तो क्या करना है, आप लोग को ऊपर लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका कर देंगे डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट कर देंगे तो सेम उसका कॉपी एक आ जाएगा, और एक को साइड में रख देंगे और एक को कर देंगे बीच में कुछ इस तरह से, और साइज को बड़ा कर लेंगे और इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो कैसे एडजस्ट करना है आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे बड़ा वाला फ़ोटो को, ठीक है। और यहाँ पे साइज को हल्का बड़ा रखेंगे, ठीक है, इसको बड़ा ही रखेंगे। और इतना कर लेने के बाद आप लोग को एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से सेचुरेशन कर लेंगे माइनस, और सेचुरेशन को पूरा माइनस कर देंगे 100 और टेम्परेचर को हल्का बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर को हल्का बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर हल्का पीला पीला हो जाएगा फोटो, ठीक है। उसके बाद इतना कर लेने के बाद आप लोग को यहाँ से एक बार करना है डन, ठीक है, सिर्फ एक ही बार करना है डन। उसके बाद छोटा वाला फोटो जो आपको साइड में दिख रहा है, मतलब सॉरी, इसको पहले ओपासिटी को कम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ओपासिटी कर दिया है 88%। और इतना कर लेने के बाद आप लोग को ऊपर इरेज का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, फिर से इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हार्डनेस को कर देंगे पूरा कम कर देंगे और ओपेसिटी को 12% रखेंगे और साइज को बड़ा कर लेंगे 44 या फिर 50 के अराउंड। और कुछ इस तरह से इसको जो पोस्टर पे, जो पोस्टर के पीछे फोटो रहेगा उस पर अप्लाई कर देना है आप लोग को एकदम आराम आराम से, ठीक है। हल्का हल्का ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हल्का हल्का कर रहा है तो फोटो का जो बैकग्राउंड है वो फोटो के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इतना कर देंगे, इतना कर लेने के बाद आप लोग को एक बार यहाँ से करना है डन, सिर्फ एक ही बार करना है। और इतना कर लेने के बाद आप लोग को नीचे जो फोटो दिख रहा है सिंपली उसको ले लेना है अब। और इतना इसको ले लेने के बाद कुछ इस तरह से इसको जूम करेंगे और जूम करने के बाद इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे एकदम अच्छे तरह से, ठीक है, एकदम आराम आराम से कीजिएगा आप लोग, हाथ को ज़्यादा हिलाइएगा नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको इतना पे रख देते हैं, साइज को अपने हिसाब से आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा। और इतना पे करने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एक शैडोज़ का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे शैडोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पोजीशन वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और ऊपर वाला जो है उसको कर देंगे 71 और नीचे वाले को कर देंगे 92 या फिर 93 या फिर 94, इतना रख दीजिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद ऊपर एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद ऊपर वाले लाइन को कर दीजिएगा 11%, मतलब 11, और नीचे वाले को कर दीजिएगा 29% के राउंड, ठीक है। इतना रख देने के बाद देख सकते हो शैडोज़ बन चुका है एकदम अच्छे तरह से। उसके बाद कर देना है आप लोग को
यहाँ पे डन, ठीक है। और डन करने के बाद देख सकते हो बिफोर बैकग्राउंड और फोटो अभी। उसके बाद आप लोग को एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है, और एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो ये एक PNG है, मानिए तो ये बैकग्राउंड ही है, तो इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो। और ओपेसिटी को कम कर देंगे इसको, ठीक है। ओपेसिटी कम करने के बाद यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे इसको मल्टीप्ले, ठीक है। मल्टीप्ले कर देंगे, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा फोटो, ठीक है भाई। और मल्टीप्ले कर देने के बाद आप लोग को सिंपली ऊपर डन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से कर देंगे इसको डन। और डन करने के बाद एक काम और बचा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टूल्स वाले ऑप्शन है। तो टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से एडजस्ट में ब्राइटनेस को हल्का बढ़ा देंगे, ब्राइटनेस को हल्का बढ़ा देंगे और कॉन्ट्रेस्ट को भी हल्का बढ़ा देंगे, ठीक है। और इतना कर लेने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ से कर देना है डन। और डन करने के बाद एक काम और इसमें आप लोग कर सकते हो, जो कि अपना फोटो आपका अगर लोगो है तो लोगो लगा सकते हो, या फिर अपना नाम लिख सकते हो इस फोटो में, जो कि अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, थंबनेल में देख सकते हो, थंबनेल में अभी लिखा था। उसके बाद इसको कर देना है आप लोग को गैलरी में सेव, और गैलरी में सेव हो जाने के बाद यहाँ पे नीचे क्लोज का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली क्लोज कर दीजिएगा। तो फाइनली हमारा फोटो एडिट हो चुका है कम्प्लीट, यहाँ पे देख सकते हो एकदम अच्छे तरह से। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये एडिट समझ में आ गई होगी। और मैं बता दूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अपने को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो या फिर फोटो एडिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।